रांची अमेठी यूनिवर्सिटी में बुधवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर युवाओं को नए आइडियाज, नई खोज आदि को लेकर जागरूक किया गया। अमेठी यूनिवर्सिटी रांची में इनोवेशन मैनेजमेंट करने के तरीकों में खोजी प्रवृत्ति डेवलप करने को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रायोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में नई आइडियाज, नई खोज एवं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर जागरूकता फैलाना रहा। साथ ही युवाओं को नई खोज व तरीकों के लिए प्रेरित करना था, ताकि वे संयुक्त व पारदर्शी तरीके से खुद को आगे बढ़ा पाए। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय उपस्थित रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए, जो भी काम करे उसमें अपना 100% दे। साथ ही उन्होंने कहा कि पढ़ने और काम करने के तरीकों में खोजी प्रवृत्ति डेवलप करने को लेकर युवाओं में जागरूकता की जरूरत है। इधर विशिष्ट अतिथि के तौर पर अमेठी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के चांसलर डॉक्टर विलियम सिल्वा मूर्ति, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पुरुषोत्तम उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में गौरव गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट अमेठी एजुकेशन ग्रुप नोएडा, डॉक्टर आर के झा वाइस चांसलर AUJ, डॉक्टर एस नियोगी एडवाइजर कमेटी एजुकेशन ग्रुप, डॉक्टर डब्ल्यू सेवामूर्ति चांसलर अमेठी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, यू रामचंद्रन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमेठी नोएडा, डॉक्टर अजित कुमार पांडे डायरेक्टर अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड, राणा एस चक्रवर्ती डायरेक्टर HEC, प्रोफेसर डॉक्टर असित बारा महापात्रा IIM रांची, डॉक्टर असित बारा महापात्रा IIM रांची, अरुण कुमार सिंह IAS चीफ सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने अपनी बात रखी और छात्रों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही उनके जिज्ञासा को बढ़ाया। इस मौके पर अमेठी यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज के साथ साथ छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है और कौन कौन से एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर है और उसमें क्या किस तरह के डिस्प्यूट्स, किस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, उनका निराकरण करने के लिए कौन सा कानून उपयुक्त होगा। और इस जो दिन भर का सेशन चलेगा, 6.5 से लेकर 7 लाख पेटेंट्स फाइल करता है। हमारे इंडिया में सिर्फ 50,000 पेटेंट्स फाइल होता है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है, बहुत ज़रूरत है हमारा रैंकिंग और पेटेंट फाइलिंग बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो पेटेंट फाइलिंग में एक इंडिकेटर होता है देश का अभिवृद्धि को बोलने के लिए। NRDC ने ये प्रोग्राम्स पूरा देश में करता है। अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग भी एक प्रोग्राम इधर किया है, पहले भी 2-3 जगह में अमेठी के साथ किया है। बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट्स लोगों को इसका विषय में जानकारी होना, बहुत बहुत ज़रूरत है। ये 5,000 साल से पहले था, अभी इंडिया हमारा देश आगे बढ़ रहा है नॉलेज क्रिएशन में, इनोवेशन पूरा दुनिया को देने में ये अभी कोशिश चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और झारखंड गवर्नमेंट ये सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं इनोवेशन के लिए, और इनोवेशन आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करना है, उस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब तरीका है जिससे हम नॉलेज को, IPR को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश में अभी साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, पब्लिकेशन बढ़ रहा है, पेटेंट्स बढ़ रहा है, ये सब हमारा देश नॉलेज जनरेशन में बढ़ रहा है। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस अभी अमेठी यूनिवर्सिटी में, हमारे पास 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15 कैंपसेस बाहर हैं, सभी में हम इनोवेशन का कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए हम जब भी सभी अमेठी यूनिवर्सिटीज़ में